गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। देयर इज नो यूज ऑफ ऑक्सीजन इन दिस रेस्पिरेशन, देयर फॉर दिस रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। नाउ देखिए, हम इसे नॉर्मली फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। अब बात आती है ये कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, इसकी कुछ खास चीजें देखते हैं हम कि क्या क्या खास चीजें हैं। पहली बात तो ये होगी कि देयर इज नो यूज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यूज नहीं होता। नो ऑक्सीजन यूज्ड, इसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन का यूज नहीं है, सांस लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम सांस ले रहे हैं किसके लिए ले रहे हैं? सांस ले रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? कि हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन ऐसे रेस्पिरेशन में जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो सांस लेने की जरूरत नहीं है। आराम से ऐसा ऑर्गेनिज्म बिना सांस लिए जिंदा रहता है जबरदस्त तरीके से। देखते हैं ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, कोई बता सकता है आपने? ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें? यीस्ट है, बैक्टीरिया है, जैसे लैक्टोबैसिलस है, तो ऐसे कुछ फंगस भी हैं। अरे जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी जो मसल सेल्स हैं उनमें सही क्वांटिटी में, पर्याप्त क्वांटिटी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तो वहां पे कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो हमारे अंदर भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन की कुछ सेल्स हैं जो कर सकती हैं। जब कर सकती हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन? जब उन्हें सही क्वांटिटी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। तो पहला वाला जो पॉइंट है, नो ऑक्सीजन यूज्ड, ठीक। दूसरा वाला जो पॉइंट होगा, जो हमारा सबस्ट्रेट है, जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट करता है, वो सबस्ट्रेट कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है। तो सेकंड वाला पॉइंट क्या लिख देंगे? सबस्ट्रेट इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, कार्बन डाइऑक्साइड में या दूसरी चीजों में सबस्ट्रेट जो है कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो होगा हमारा क्या है, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन का, जिसमें सबस्ट्रेट कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता, यानी कि सबस्ट्रेट भी कुछ क्वांटिटी में ही बचा रहता है। तो ये हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। दूसरी वाली बात है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी जो है एरोबिक रेस्पिरेशन की कंपैरिजन में बहुत कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है। डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस में हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन में डायरेक्ट एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होता है। एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन लेस अमाउंट, एनर्जी जो है बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस की जाती है, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट थे हमारे एनएरोबिक रेस्पिरेशन के या फर्मेंटेशन के। हमने क्या देखा? हमने पहली बात ये देखी कि ऑक्सीजन का यूज नहीं होता, कोई जरूरत नहीं ऑक्सीजन की। दूसरी वाली, सबस्ट्रेट में पूरी तरह से कंज्यूम्ड नहीं होता,
यानी कुछ हिस्सा बचा रहेगा उसका। तीसरी वाली चीज, एनर्जी जो है बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। इस तरह के रेस्पिरेशन को हम क्या कहेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखते हैं कि ये होता कैसे है। भाई आपने ग्लूकोज तो सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट जो है तीन तरह के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो ये जो है नॉर्मली क्या है, मोनोसैकेराइड है, यानी कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल शुगर है ग्लूकोज। ग्लूकोज ये रहा हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज जब ग्लाइकोलाइसिस में जाता है, यानी कौन सी प्रोसेस होती है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज कितने कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड है, तो इससे क्या बनेगा, पाइरुविक एसिड, या फिर आप कह लीजिए पाइरुवेट। ठीक, ये कितने कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है, तो पाइरुविक एसिड कितने बन जाएंगे, 2 बनेंगे पाइरुविक एसिड। और यहां तक तो आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी कि ग्लूकोज पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है थ्रू मेनी एंजाइमेटिक रिएक्शंस, थ्रू मेनी स्टेप्स। नियर अबाउट कितनी स्टेप्स होती है आपको पता होगा, 10 स्टेप्स। 10 स्टेप्स के बाद ग्लूकोज जो है पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। जब ग्लूकोज पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ठीक, अब ये पाइरुविक एसिड है, ये पाइरुविक एसिड आगे क्या करेगा, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ये पाइरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। लेकिन जब एनएरोबिक कंडीशन होती है, फर्मेंटेशन होता है, तो ये पाइरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में ही रहेगा। साइटोप्लाज्म तो जानते होंगे आप, सेल का न्यूक्लियस के बाहर वाला हिस्सा जो होता है साइटोप्लाज्म होता है, जो फ्री फॉर्म में होता है। देखिए ये है हमारा पाइरुविक एसिड, पहली केस ले रहा हूं, दो केस में ही जाएगा पाइरुविक एसिड, दो प्रोसेस में जाता है। एक तो हम इसे कहते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरा हम कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या लैक्टेट फर्मेंटेशन हम इसे कह सकते हैं। तो मैं पूरा वो हेडिंग डाल के ही आपको बता दूं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है पहला हमारा, दो प्रोसेस में जाएगा। एल्कोहलिक एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, ये पाइरुविक एसिड है, पाइरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एसिटाल्डिहाइड में, एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। पाइरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज, पाइरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से, और यहां पे क्या निकल जाता है, CO2 निकल जाता है। ठीक, यहां पे कौन सा एंजाइम होगा, पाइरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज, पाइरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से पाइरुविक एसिड एसिटाल्डिहाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, जरा चेक कर लें। हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है। तो ये देखिए आप, यहां से बात क्लियर समझ में आ गई, पहला स्टेप। अब ये क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड ये एक एंजाइम की हेल्प से एथिल एल्कोहल या फिर एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा।
एथिल एल्कोहल या इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। कौन से एंजाइम के हेल्प से? ये जो है एसिटाल्डिहाइड, एथिल एल्कोहल या फिर एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल या एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के हेल्प से। ठीक, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एसिटाल्डिहाइड एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहां पे क्या घटना घटी, यहां पे हमने दो रिएक्शन देखी नॉर्मल, और इन रिएक्शंस में दो एंजाइम देखे हमने दो तरह के, और ये दो तरह के एंजाइम जो हैं यहां पर यूज हुए हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, और पाइरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से एसिटाल्डिहाइड और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। एसिटाल्डिहाइड और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है, ये कह सकते हैं आप। अच्छा, दूसरी वाली बात क्या है कि CO2 तो बाहर रिलीज हो जाएगी, अब हमारा जो एसिटाल्डिहाइड है वो एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और यहां पर आपने देखा होगा एक NADH2 ये बनता है, और ये किसमें निकल जाता है, या फिर हम कह सकते हैं NADH प्लस H पॉजिटिव, ये किसमें रिलीज हो जाएगा, NAD में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इसके हाइड्रोजन आयन्स को ये यहाँ पर ले लेता है, और यहाँ पर हमारा एल्कोहल बन जाता है। NADH प्लस H पॉजिटिव ये कहाँ बन रहा था हमारा, याद करो ए दुनिया वालों, ग्लाइकोलाइसिस में बन रहा था, तो ग्लाइकोलाइसिस की इसके NADH प्लस H पॉजिटिव को भी ये यूज कर लेता है, तो ये हमारी इस प्रोसेस में फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन बनता है, एथिल एल्कोहल बनता है, बोले तो एल्कोहल बनता है, इसलिए हमने इसका क्या नाम दिया, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन नाम दिया। अब यहाँ पर ये पाइरुविक एसिड कहाँ से आ रहा है, ग्लाइकोलाइसिस से आ रहा है पाइरुविक एसिड, ठीक है। अब दूसरी वाली कहानी हमारी कौन सी है, जो है लैक्टेट फर्मेंटेशन या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कह लीजिए या फिर आप लैक्टेट फर्मेंटेशन कह लीजिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, लैक्टिक एसिड बनेगा। अच्छा, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का एग्जांपल लिख दो भैया, एग्जांपल क्या है हमारा, YEAST, ये हमारा एग्जांपल है किसका, हमारा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का। अब देखिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की कहानी क्या है, यह हमारा पाइरुविक एसिड है, पाइरुविक एसिड ये किसमें कन्वर्ट होगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, इसलिए इसका क्या नाम दिया, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमने इसका नाम दिया है। एंजाइम लैक्टेट डी हाइड्रोजिनेज, लैक्टेट या लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, आप दोनों नाम बोल सकते हैं, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज या फिर लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से पाइरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब यहां पर ये भी जो आ रही थी सेम, NADH निकल जाएगा, इससे NA
डी एच प्लस एच पॉजिटिव को यहाँ पर यूज करता है और क्या निकल जाता है, एन ए डी ए निकल जाता है। समझ में आ गई कि नहीं? तो ये जो कहानी आती है ये हमारी क्या कहानी थी, एन एरोबिक रेस्पिरेशन की थी। पहला वाला जो मैंने बताया था एन एरोबिक रेस्पिरेशन में कि देयर इज नो यूज्ड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यूज्ड नहीं होता है। कहीं पर हमने ऑक्सीजन ली ना रे बापा ना, कहीं नहीं ली। अच्छा दूसरी वाली बात है कि सबस्ट्रेट कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है। सबस्ट्रेट हमने दो प्रोसेस देखी एन एरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन की। तो पहला एल्कोहल के फर्मेंटेशन में फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है वो हमारा एथिल एल्कोहल बन रहा है, इसका मतलब पाइरूविक एसिड कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ, कुछ रिमेनिंग पार्ट छोड़ गया है, अपना प्रोडक्ट छोड़ गया। ऐसे यहाँ पर लैक्टेट छोड़ गया, लैक्टिक एसिड छोड़ गया, यानी कि सबस्ट्रेट इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन, इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो ये था कि डायरेक्ट ये एनर्जी जो है बहुत कम प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस इन वेरी लेस अमाउंट इन कंपेरिजन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, नॉर्मली लेस देन 7%, 7% से भी कम अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कहीं डायरेक्ट एटीपी निकल रही है, नहीं निकल रही, जो कुछ हमें एटीपी मिल जाएगा ग्लाइकोलाइसिस की फॉर्म में ही मिल जाएगा, यहाँ पे तो एटीपी मिल ही नहीं रहा भैया। तो हमने दो प्रोसेस देखी एन एरोबिक रेस्पिरेशन की, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पाइरूविक एसिड कन्वर्ट हो रहा था एथिल एल्कोहल में, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पाइरूविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है हमारा लैक्टिक एसिड में। इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल है कुछ सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस, सम बैक्टीरिया एग्जांपल लैक्टो बैसिलस, सम फंजाई इन मसल सेल्स ऑफ ह्यूमन। जब लार्ज अमाउंट में हमारी सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होती तो हमारी मसल सेल्स भी कौन सा रेस्पिरेशन करती हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन प्रोसेस करती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एन एरोबिक रेस्पिरेशन की कहानी।